सोमवार को कानपुर नगर निगम सदन की कार्यवाही पूरी हुई। सदन करीब डेढ़ घंटे चला और इन डेढ़ घंटों में खूब हंगामा भी हुआ। सबसे पहले अधिकारियों ने पिछले किए गए कामों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। इसके बाद विकास कामों के प्रस्ताव सदन में रखे गए। वहीं वार्ड 14 की कांग्रेस पार्षद शालू कनौजिया सदन में कंबल लेकर पहुंच गई और उन्होंने कहा कि जब तक क्षेत्र की समस्या का समाधान नहीं होता वह यहीं पर बैठी रहेंगी। जिस पर अधिकारी बोले कि सदन में कंबल लाने की अनुमति नहीं है, तो इस पर महिला पार्षद शालू कनौजिया ने कहा कि मुझे भी बाहर निकाल दीजिए। इतना ही नहीं, नगर निगम सदन की कार्रवाई के दौरान भाजपा पार्षद और महापौर के मध्य विवाद भी हो गया। भाजपा पार्षद हरिस्वरूप तिवारी ने बीच में बोलने को लेकर महापौर का विरोध किया, जिस पर महापौर प्रमिला पांडे ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जिसको जाना है वह चला जाए। इसके बाद पार्षद जाने लगे तो नेता सदन नवीन पंडित ने पार्षद को पकड़कर बैठाया। इसके बाद नगर निगम सदन की कार्यवाही आगे बढ़ी। इस कार्यवाही में सबसे पहला प्रस्ताव सदन में सोलर पार्क का रखा गया। बता दें कि जाजमऊ स्थित 1253 एकड़ में सोलर पार्क नगर निगम स्थापित करेगा। वहीं सीवेज फॉर्म की जगह पर बनेगा। 36 MLD CETP चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती थी, लेकिन सोलर पार्क के जरिए बिजली खर्च को बचाया जाएगा। वहीं वरिष्ठ पार्षद हाजी सुहैल ने पार्षदों की शिकायत पर कोई भी ध्यान ना देने की बात कही, जिस पर नगर आयुक्त शिव शरणप्पा ने अधिकारियों से नाराजगी जताते हुए कहा कि कुछ अधिकारी CUG नंबर भी बंद रखते हैं। नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त को पार्षदों की शिकायत सुनने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया। आइए अब आपको बताते हैं कि नगर निगम सदन की कार्यवाही के दौरान कौन कौन से अहम प्रस्ताव सदन में पास हुए। पहला प्रस्ताव, स्वरूप नगर में महिला मार्केट के निर्माण के लिए PPP मॉडल पर बनाई जाएगी, जिसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। करीब 100 करोड़ से मार्केट बनाई जाएगी। दूसरा प्रस्ताव, परेड मल्टीलेवल कार पार्किंग के बगल में सब्जी मंडी और फल मंडी का निर्माण कराया जाएगा। तीसरा प्रस्ताव, पालिका स्टेडियम को विश्व स्तरीय क्रिकेट ग्राउंड बनाने के लिए फ्लड लाइट लगाई जाएगी। चौथा प्रस्ताव, बाबूपुरवा स्थित BN भल्ला अस्पताल में शहर का सबसे बड़ा 1000 लोगों की क्षमता का ऑडिटोरियम बनाया जाएगा, जिसका प्रस्ताव पार्षद नवीन पंडित ने दिया। पांचवा प्रस्ताव, पार्षद कोटे के कार्य 20 लाख के वार्ड में कराए जा चुके हैं, बाकी 5-5 लाख के कार्य जल्द ही करवाए जाएंगे। छठा प्रस्ताव, 2 करोड़ रुपए से 14-14 स्ट्रीट लाइट और लगवाई जाएंगी। सातवां प्रस्ताव, अधिशाषी अभियंता लाइटिंग RK पाल के रिटायर होने से लाइटिंग का काम प्रभावित था, नगर निगम ने उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दिया। आठवां प्रस्ताव, पार्षद आकर्ष वाजपेयी ने बताया कि पंचशाला खोलकर मंदिर और हिंदू ट्रस्ट की जमीनों का फर्जी तरीके से दाखिल खारिज किया जा रहा है, इसकी जांच के आदेश दिए गए। किन कारणों से सदन क्या कहते हैं कि नहीं हो पाया था, आज हमने शहर के लिए सौगात दी है। वो भल्ला अस्पताल जो है, जो भल्ला अस्पताल है, क्योंकि इधर हमने प्रमिला सभागार बना करके इधर के लोगों को लिए हमें समर्पित किया था। वो जो भल्ला वाला अस्पताल हमारा दक्षिण है, उसको मैंने पास किया है ऑडिटोरियम, हाँ उससे ऑडिटोरियम के लिए किया है कि जिसमें कम से कम 10,000 आदमी आ जाए, ये मैंने बना करके शहर की जनता को सौंपूंगी। दूसरा ये जो मेरा सपना था कि मैं महिलाओं के लिए कुछ करूं, महिला मार्केट जो स्वरूप नगर में है उसको भी मैंने पास किया, सब नगर निगम जी नहीं। और तीसरा था जाजमऊ में सोलर पैनल, जो आपने बहुत पहले हमें करना चाहिए था जो नहीं किया। हमारी सरकार ये चाहती है कि जैसे सोलर से जो कुछ होगा वो हम अपना, जो हमारा बिजली का इतना बड़ा मेरा परिवार है, 6-6 जोन 12-12 जोन है, इतना बड़ी बिल्डिंग है, तो ये सबका हम उससे बिजली का बिल बचाएंगे। जैसा कि अभी हमने लगाया था सोलर, तो वहाँ 4 लाख की भी कम हो गया, उसको मैंने किया। और जो स्टेडियम है विश्व खाद जैसा स्टेडियम है वहाँ बनाना चाहिए। ये तो पास हो गया था पहले से, लोग बता रहे थे, इसलिए हमने कागज मंगा के इनको दिखाया कि लाइटिंग बहुत जल्दी लगने लगी, ऑर्डर हो गया, जल्दी लगेगी, अगला सदन जल्दी करेंगे,
पुरानी बजा था ठीक है। पूरी खुशी मनाई पूरा पहुँचे वहाँ भगवान के सब दर्शन कुछ लोग कर आए और जो नहीं कर पाए हैं बाद में हम दिल्ली के साथ में चलेंगे कराएंगे। हमारी सरकार सब लोगों ने इसमें सब काम हुआ इसके लिए भी बहुत बहुत लगातार माननीय महापौर जी होता यह है कि हम लोग जो है और ट्रस्ट के नाम से ग्रुप बना हुआ है नगर निगम के पार्षदों अधिकारियों का समस्याओं को समाधान के लिए उसमें लोग जो है कोई ना कोई समस्या है। अधिकांश लोगों की जो समस्याएं हैं वो ये आप चेक कर लीजिए ना बाकी रहेगा तो मेरे आगे हटो भैया आगे हटो भैया साइड से आ जाओ थोड़ा
मुला साहब कट जाए तो चक्कर हम अपना सिंह इसलिए पार्थक पति जब बैठ जाए ससम्मान कमरे में घूमे ना तो फिर बाहर चले जाएंगे सब पार्थक पति आराम से बैठे। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.